हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द लोकल गाइड पे। मैं हूं नदीम अहमद, आपका लोकल गाइड। तो आज हम आए हैं पुणे के अकुर्डी स्टेशन के पास। और अकुर्डी स्टेशन ये एक स्टेशन नहीं बल्कि इसे चौपाटी कहा जा सकता है। यहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स हैं, इतने सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के डिशेस को ट्राई कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो में तो उसको कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसको ब्रेक कर दूंगा छोटे छोटे हिस्सों में। ये एक सीरीज की तरह रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं शवारमा किंग से, जिसका शवारमा बहुत ही अलग है। ये एक ब्रेड के टाइप में आपको सर्व किया जाता है, ट्रेडिशनल रोल नहीं है। तो जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप ऐसे और वीडियो को आगे देख पाएँ। लेट्स स्टार्ट। शवारमा किंग आने के लिए आपको अकुर्डी स्टेशन के पास आना होगा। जैसे ही आप अकुर्डी स्टेशन के पास आएंगे, आपको ये बोर्ड नज़र आ जाएगा। शवारमा किंग का सिटिंग एरिया बहुत ही अच्छा है। इवन वीकेंड्स पे भी यहाँ पर इतना रश होने के बाद भी आपको आराम से सीट मिल जाती है। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप यहाँ पे आए, या फिर अपने दोस्तों के साथ, आप यहाँ आराम से बैठकर मील एंजॉय कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं शवारमा। ये शवारमा दूसरे शवारमा के जैसा नहीं है जिसे एक रोल में सर्व किया जाता है। ये शवारमा ब्रोटा में सर्व किया जाता है। ब्रोटा एक्चुअली आटे से बना हुआ ब्रेड है जिसे ये खुद बेक करते हैं। और वो ब्रेड इतना फ्रेश होता है, इतना सॉफ्ट होता है। उस ब्रेड के साथ जब शवारमा के मिक्स को मिलाया जाता है ना, तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। शवारमा बनाने के लिए ये चिकन के पीसेस को ऑलरेडी ग्रिल कर लेते हैं, उसके बाद इसको ये कट करते हैं। फिर ये इसमें मिलाते हैं मेयोनीज, सॉस, स्पाइसी चटनी जो मिर्च की होती है, उसके बाद और मेयोनीज, और ज़्यादा मेयोनीज, और फिर उसे ये मिक्स करते हैं। इसके बाद इसको ये फिल कर लेते हैं ब्रोटा में, और इसे फाइनली सर्व किया जाता है एक्स्ट्रा मेयोनीज और एक्स्ट्रा सॉस के साथ। आप चिकन शवारमा की डिफरेंट वैरायटी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे चिकन शवारमा ब्रोटा विथ एग, चिकन शवारमा ब्रोटा विदाउट सलाद, विथ सलाद। बट मेरी एडवाइस मानिए, आप रेगुलर वाला ही ऑर्डर करिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे एक्चुअली किस तरीके से खाना चाहिए। ऑलरेडी इसमें मेयोनीज तो मिक्स रहता है, बट मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा सॉस मिक्स करना, उसके बाद थोड़ा सा और मेयोनीज। फाइनली जब ये मिक्स हो जाए तो आप इसको खा सकते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया यहाँ पे। इसने भी पहले रोल में ही ट्राई किया हुआ है शवारमा। इसके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि इसे कितना पसंद आया है। शवारमा किंग में आपको रोल वाला शवारमा भी मिल जाएगा जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनको देख कर मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मेरा ट्राई करने की बारी। तो फाइनली अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ ये शवारमा जो कि ब्रोटा में है। ब्रोटा बेसिकली ये जो ब्रेड है ये आटे का बना हुआ है, जैसा कि वो इसको जो प्रिपेयर कर रहा था उस बंदे ने बताया। रेसिपी तो नहीं बताएंगे आपको, ऑफकोर्स क्यों बताएंगे आपको, तो इसको खा के देखते हैं। वैसे मैं आधा खा ही चुका हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड करते हैं, ज़्यादा ऐड हो गया वैसे। थोड़ा सा सॉस ऐड करते हैं, अब खाते हैं। अमेजिंग, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग शवारमा आई हैव एवर हैड। ज़्यादा जगह तो खाया नहीं, ऊपर जितनी जगह खाया उसमें से सबसे अच्छा ये है। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो ये ब्रेड। रोल वाला तो मैं कभी नहीं खाया, मुझे पसंद नहीं है, बट ये ब्रेड वाला दिस इज जस्ट अमेजिंग। शवारमा किंग में आपको तवा चिकन शवारमा, वेज बर्गर, चिकन बर्गर और वेज शवारमा भी मिल जाएगा जो सेम ब्रेड में सर्व किया जाता है। आप यहाँ पर तवा कलेजी और ऑमलेट शवारमा भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ है और बजट फ्रेंडली भी है। शवारमा किंग ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर है, जोमेटो में इसकी रेटिंग 4.2 out of 5 है। यहाँ के वर्कर और ओनर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि क्राउड के साथ कीप अप कर सकें। शवारमा किंग कितना पॉपुलर है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हम आए थे तो शवारमा का बर्नर पूरा फुल था और आधे घंटे के अंदर इनको दोबारा नया लगाना पड़ गया। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा शवारमा के इस क्लोज़अप टूर का। और ये तो जस्ट पहला एपिसोड था, ऐसी बहुत सी सीरीज़ आने वाली है आगे और बहुत से एपिसोड्स भी आने वाले हैं।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे ये सारे वीडियोस के लिए। आपको ये बेल जो आइकन है, आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे जो भी नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन दिखे। मेरा जो चैनल है वो प्योर हिंदी में है, इसमें इंग्लिश के सबटाइटल में आगे ऐड करने वाला हूं, जिससे ये और इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप उससे इसे समझ भी पाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। बाय बाय।